अनवर माइक म्यूट करो अपना। अनवर माइक म्यूट कीजिए। हेलो। आवाज आ रही है अनवर? हाँ सर आ रही है। चलो अनवर, लास्ट वीक के ट्रेड बताइए अपने। सर इस वीक में सर 5 ट्रेड किया, एक स्टॉप लॉस गया। टोटल 5 ट्रेड हुए हैं, एसएल आपका 1, एक हाँ में सर। एसएल क्यों गया? सर आपको दिखा रहा हूँ सर, आप देखिए ये स्टॉक नाम बताइए। सर, जेएस स्टील में, जेएसडब्ल्यू स्टील में सर, 15 तारीख सर, डे टाइम फ्रेम के लेवल बोलिए। डे टाइम फ्रेम लेवल सर 727। 727 ट्रेड करने की डेट आपकी 15 तारीख? हाँ सर। ठीक है, क्या किया था यहाँ पर? सर वो जो पहले बार जो मेरे लेवल पर गया था वो तब में ट्रेड नहीं लिया, दूसरी बार जब गया मेरे लेवल के ऊपर तब मैंने ट्रेड लिया था सर। जी, मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट नहीं किया था? ऐसे ही यहाँ पे ब्रेक किया था फिर सर जब ऊपर गया सर तब लिया था सर मैंने। नहीं, इस जगह पर क्या हुआ है? अगर रेजिस्टेंस हम आपसे बोल, दो बार गया फिर इसलिए उसके ऊपर किया सर। कोई बात नहीं, मदर कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से आपके पास एक कंफर्मेशन थी, क्योंकि वॉल्यूम के हाँ साथ सर, प्राइस ने ब्रेकआउट मार दिया था, वही पर लिया था सर। हाँ है ना? ये जगह ठीक थी, लेकिन सर, वैसे अपने रूल वाइज देखा जाए। डिप टाइम फ्रेम के उसको मैं सपोर्ट मानू और उसके ऊपर जो कैंडल स्टैंड हो, जो उसका हाई हो उसको रेजिस्टर मानू, यही तो सर। जी नहीं, प्री डिफाइंड जो आपका लेवल होता है, जिसको आपने डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग निकाला है, उस जगह पर आकर के लोअर टाइम फ्रेम पर भी प्राइस रेजिस्टेंस बनाएगा अगर, और उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा तब हम ट्रेड मार देंगे। या फिर डे टाइम फ्रेम के लेवल पर जब प्राइस सपोर्ट लेता है लोअर टाइम फ्रेम पर, सपोर्ट का जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम लोग शॉर्ट मार देंगे। सिंपल सा होता है बस। ठीक कुल है सर, मिलाकर के ठीक जिसको हम रेजिस्टेंस मान करके आए हैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर, तो लोअर टाइम फ्रेम पर उस दिन भी फॉर्मेशन फॉर्म हो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट की, जिस दिन हम ट्रेड करना चाहते हैं, सिर्फ एक कैंडल के क्लोज हो जाने से या फिर एक ही कैंडल के रिजेक्ट हो जाने से एग्जीक्यूशंस नहीं होते। एक हम अगर आपको एग्जांपल दिखाएं तो लास्ट अभी हमने कौन सा ट्रेड आप लोगों को करवाया था? एचडीएफसी बैंक था। एचडीएफसी बैंक को हमें बाई करना था, इस वाले लेवल से बाई करना था। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर तो बाई हो गया। अनवर आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। इस जगह पर आपका बाई हो रहा है क्योंकि प्राइस तो क्लोज कर गया, और यहाँ पर ये मदर कैंडल भी फॉर्म हो गई, प्राइस ऊपर निकलेगा हम ट्रेड मार देंगे, है ना? लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो बताइए यहाँ पर किस तरह की फॉर्मेशंस बनी है? ना तो यहाँ पर कोई डबल बुलिश फॉर्मेशन बनी, ना इस जगह पर कोई सिंगल कैंडल फॉर्मेशन बनी, इवन कोई वीएसए फॉर्मेशन भी फॉर्म नहीं हुई। तो किसी भी तरह से हायर टाइम फ्रेम के लेवल पर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमें कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। प्राइस बस ऊपर की तरफ गया है, एक बड़ा सा मूव नीचे की तरफ आया, प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, वो गिर गया। कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे आप, जैसे आपने ये वाला जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया जेएसडब्ल्यू स्टील, तो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर हाँ, मदर कैंडल के थ्रू अगर आप करना चाह रहे हो तो मदर कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर चला जाएगा आपकी एंट्री, और स्विंग पर जस्ट आपका स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, कोई बात नहीं। ठीक ठाक, मतलब डे टाइम फ्रेम की जो आपकी मार्किंग है सही है, हाँ 0.25% का सर, स्टॉप लॉस लगे, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? आराम से स्टॉप लॉस ले लिया। हाँ चलेगा। लास्ट वीक परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब थी आपकी, इस वीक सही है, और ये जो ट्रेड गलत भी किया है ये सही ट्रेड है। मतलब लास्ट टाइम भी हमने आपसे बोला था कि स्टॉप लॉस दो, लेकिन स्टॉप लॉस देने का तरीका सही हो, कि जिसको हम भी मान के चले हाँ इस तरह से अगर स्टॉक्स की फॉर्मेशन होती तो स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा, फिर उसको हम रोक नहीं सकते। अब गलत जगह पर एंट्री एग्जीक्यूट कर देना उसके बाद में स्टॉप लॉस देना, तो मतलब वो तो गड़बड़ हो जाता है ना। ठीक है, परफेक्ट है। कोई डाउट इनके अंदर, ट्रेड्स के अंदर? सर ट्रेड के अंदर सर एक बात बोलूं सर, कि जो साइकोलॉजी बोलते हैं ना, कि हाँ, जब मैं लेना चाहता हूँ तब ना घबराहट होती है सर। कुछ नहीं, साइकोलॉजी को बिल्ड करने का सिर्फ एक तरीका है, आपके रूल्स। अगर सेटअप बन रहा है तो ट्रेड मार दो, उसमें कुछ घबराना नहीं है, या ओवर एक्साइटमेंट हो जाना या फिर डर जाना, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर सेटअप बन रहा है, आपका ये लेवल है 727 जिसको आपने मार्क किया है, आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा ना, वो स्टॉप लॉस कितने रुपए का हो रहा है ये ज्यादा जरूरी होता है आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है या नहीं इसके कंपैरिजन में। यही स्टॉप लॉस अगर आपकी कैपेसिटी 50 रुपए की और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 500 का, तो ये मतलब बहुत डर लगेगा आपको। मालूम है कि स्टॉप लॉस हमारा 50 रुपए का जाएगा, कोई बात नहीं, हम तो 50 रुपए के स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए आए हैं ना, तब डर नहीं लगेगा। डर इसी बात का होता है यार, मेरे पास जो पैसा है वो चला जाएगा, आप क्या करेंगे? या फिर एक जो दूसरे स्टेज पर आप आ जाते हो ना, तो दूसरे स्टेज पर क्या लगता है जो हमने सीखा है, मतलब फिर वहां पर पैसा जरूरी नहीं हो जाता आपके लिए। आपके मन में यह आएगा कि पैसा जरूरी नहीं है, 50 की जगह 500, हम 5,000 का भी नुकसान कर देते तो हमें दिक्कत नहीं है, जाओ हो जाओ, हमें परवाह नहीं है 5,000 का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन जो हमने सीखा है वो काम नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर, है ना? इस तरह की भी माइंडसेट बनने लगता है थोड़े दिन के बाद, वो हो। सर एक बार लगता है कि मैं
लेता हूँ और नीचे चल जाता है, डर 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 वैसा डर ज्यादा लगता है सर। सब मालूम है, सब मालूम है, ये होता है, ये कॉमन है सर। और एक बात है सर, बोलूँ सर। सर जब मैं टेट ले रहा हूँ सर, तब मैं सर उस सेक्टर को देखूंगा, उस सेक्टर का जो जैसे स्टील का सेक्टर या निफ्टी मेटल, उसको फॉलो करूँगा सर। नहीं बहुत जरूरी नहीं है ये। ठीक है सर, ठीक। और सर एक बात, मैं एक बुलिश कंटिन्यूस में बेरिश कंटिन्यूस को मार्क किया सर। हाँ, को मैं मार्क करने के बाद जो दिन मिलता है पीछे में, उस एक दिन के मार्क करने के एक दिन के बाद मुझे ट्रेड नहीं मिला सर उस लेवल से। ठीक ठीक दूसरे दिन अगर वो लेवल पर आए तो सर हम ट्रेड ले कर सकते लेंगे, तो। हाँ कर लेंगे, ठीक है सर, ये बात थी सर। कर लेंगे। ठीक है अनवर, माइक म्यूट कर लीजिए अपना। धवल साहब, माइक का म्यूट कीजिए। अनवर अच्छा था इस बार की परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी, पहले से बहुत बेटर है। प्रीवियस वीक में अगर हम देखें ना, तो 5 में से 4 स्टॉपर्स गए थे आपके, और इस वीक में 5 में से 4 प्रॉफिट हुए हैं, मतलब सिर्फ 1 SL गया है। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, बस इसको बनाए रखना। ये बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हो, कल को ऐसा ना हो कि यार फिर आपाधापी में पड़ गए, अचानक से सब कुछ सारी चीज़ें बदल दी। अभी हमने जितना रिस्क बोला अचानक से रिस्क बढ़ा दिया, अभी आप सेगमेंट तुरंत के तुरंत सेगमेंट चेंज करने लग जाओ, अपने आपको बहुत बड़ा प्राइस एक्शन ट्रेडर मान लो, ये रे वाह अब तो हम जैसा चाह रहे हैं वैसे ही हो रहा है, तो फिर से लॉस होने लगेंगे। फिर अभी जिस स्टेज पर हो उससे भी 10 स्टेप नीचे गिर जाओगे। सेगमेंट चेंज नहीं करना है, जो मनी मैनेजमेंट हमने बताया वो मनी मैनेजमेंट चेंज नहीं करना है, और कब तक चेंज नहीं करना ये अभी हम आप लोगों को बताएंगे। अनवर बोलिए। हेलो सर, जी अनवर बोलिए। बोल रहे थे कि जे हम जो सर हम जो जिस जिस कंडीशन में हम हैं, आप हैं, जी आप इस लेवल पे, हम जी हम जिस एरिया में रहते हैं, इस एरिया पे सर डेली का कोई 500-700 कमा ले तो बहुत अच्छा बात है सर। हाँ, तो मैं उसके लिए चलता हूँ कि मेरे डेली का इतना आ जाए तो मैं खुश हूँ। वो जो सेगमेंट में वो सब मुझे ऑप्शन तो कुछ नहीं आता आता ही नहीं सर। ये सर जो कुछ भी सीखा सर यूट्यूब देख के, आपका चैनल नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितना है आपके एरिया में आपके अकॉर्डिंग उससे ज्यादा ही होगा, बस ध्यान रखना उस चीज का। धवल माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी धवल साहब, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ सर, मैं एक्चुअली अभी रास्ते में हूँ सर, ड्राइव कर रहा हूँ, फिर भी चालू है मेरा सर। इस वीक को मैंने 6 ट्रेड लिए थे, एक दिन ट्रेड नहीं हुआ था थोड़ा काम की वजह से, अच्छा, और उसमें से 5 में टारगेट है, 1 में SL हुआ। ओके लास्ट SL वीक इसलिए में, हुआ क्योंकि हाँ, 1.3 का टारगेट ले रहा था, वेरी गुड, ठीक वो है हुआ नहीं, ठीक है ठीक इसलिए है, ओके JSW स्टील में वेनस आया। अच्छा, टोटल 6 ट्रेड थे, 1 SL गया है आपका सिर्फ। एक दिन तो मैंने पूरे ट्रेडिंग किया, इस दिन ये JSW का लॉस हुआ ना हाँ वेनसडे को, उसी हाँ दिन भी एक ही ट्रेड लिया था, अच्छा, इसलिए टोटल 6 ट्रेड में 1 में SL। चलिए ठीक है दोस्त, बढ़िया फिर, अच्छा हाँ सर, म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए, एकलव माइक म्यूट करिए, एकलव जी माइक म्यूट कीजिए अपना। पंकज साहब अभी 1 सेकेंड बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। एकलव माइक कन्म्यूट कीजिए। हेलो जी एकलव साहब बोलिए। सर, मैंने 2 दिन में 3 ट्रेड लिए थे सर। पूरे वीक में हेलो, तीन पूरे वीक में तीन ट्रेड 2 दिन में सर? हाँ, टाइम नहीं था तो इसलिए तीनों यही टारगेट टारगेट हिट हुए थे सर। लिया था तीन तीन में ट्रेड से सर, इस... 2 दिन में सर। अच्छा ठीक है वो। और स्टॉप लॉस कितने? सर वो भारतीय एयरटेल, HCLTech और HDFC, ठीक है, SL नहीं गए हैं, SL तो नहीं गए सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनवर साहब का भी, धवल का तो पिछली बार भी अच्छा था, एकलव्य ठीक है, इस बार अच्छा है। और एक बात सर, हाँ एकलव्य सर वो बोलिए। जो डे टाइम फ्रेम में जो लाइन इंपोर्टेंट लाइन, वो जो किस किस SCM में भी है क्या सर? ये HCN? SCF सिंगल कैंडल फॉर्मेशन में भी है, हाँ, और कौन कौन सा है सर? तो डे टाइम फ्रेम पर जिससे आप मार्किंग करते हो, हाँ सर, डे टाइम फ्रेम में। सिंगल कैंडल फॉर्मेशन है, बुलिश कंटिन्यूएशन है, बेरिश कंटिन्यूएशन है, VSA है, एक्सेल फाइल से जो मदर कैंडल के फॉर्मेट्स निकलते हैं वो, ये सारे फॉर्मेट्स सर आपके हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्किंग करने के हैं। सर सर ठीक है ना, 2-3 वीडियोस, 1 मिनट फाइव रुकिएगा। और 6-7 का बढ़िया, वैसे क्लब पिछले वीक के मुकाबले इस बार अच्छा है, पिछली वीक में आपने 4 ट्रेड किए थे, इस वीक 3 ट्रेड सर किए हैं, और 3 में 3 को टारगेट आपको मिले, 0 स्टॉप लॉस है। तो जरूरी सर नहीं है कि पूरे वीक आप ट्रेड मारो ही, हफ्ते में 2 दिन भी मार रहे हो ना, लेकिन अगर प्रॉफिट में है तो सही है फिर।
सर एक सर साइकोलॉजी तो टोटली नहीं हो पा रहा है सर, कुछ जल्दी नहीं, जल्दी सभी सभी लोग हो, दावल भी यही बात बोल रहे थे, अनवर भी यही बोल रहे थे, और एक लोग आप भी यही बोल रहे हो। अरे हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? हम क्या बोल रहे थे, आप साइकोलॉजी गड़बड़ हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है ये तो समझो ना। साइकोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ती है, कब लगता है आपको कि साइकोलॉजी की जरूरत है, हमको साइकोलॉजी मजबूत करने की जरूरत है, ऐसा कब महसूस होता है ये बताइए। जो बेसिक क्वांटिटी हो सर ट्रेड करने से पहले लगता है या लगता है ट्रेड करने के बाद लगता है ये बोलिए। ट्रेड करने के बाद सर जब 1:2 आ गया वो एक नहीं, वन प्रॉफिट इज टू दिख टू गया और तो थ्री की बात हम नहीं कर रहे हैं। ट्रेड करने के बाद अब स्ट्रेस बढ़ता है धीरे धीरे, दो चीजें होती हैं। सबसे पहला मतलब ये साइकोलॉजी को मजबूत करने की जरूरत दो चीजों की वजह से पड़ती है। सबसे पहला लॉस हो जाएगा या फिर प्रॉफिट चल रहा है, क्या अब ये प्रॉफिट और होगा या नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना। अगर लॉस हमने अपने डिसाइड कर रखा है कि मेरा 6,000 5,000 का लॉस है, तो लॉस क्या है ना, 1,000 का पहले 1,000 का लॉस होगा, फिर 1,500 का में भी हो सकता है, फिर अचानक इसको 3,000 का हो जाए, फिर दो, फिर ढाई, मतलब 6,000 का ऐसे नहीं फट से 6,000 का नहीं होगा, वो धीरे 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 करके आपका 5,000 रुपए तक का लॉस कराएगा। 5,000 तक पहुंचने से पहले पहले जब वो 1 रुपए का लॉस था और अभी 5,000 का लॉस है ना, 1 से 5,000 के बीच में वो जो खलबली मस्ती ना, इसमें लगता है यार मेरी साइकोलॉजी ना गड़बड़ है। और वर्स्ट कंडीशन ये होती है सर कि 5,000 रुपए का जो आपको लॉस है ना, वहां तक पहुंचने से पहले ही आप कोशिश करते हो कि मार्केट से आउट हो जाते हैं, ऐसा होता है ना, हाँ सर वो तो है, हाँ होता है सर ऐसा होगा। यहीं पर जरूरत पड़ जाती है कि नहीं यार हमारी लगता है हमको साइकोलॉजी पर ही कमजोर है, तो इसका क्या उपाय है, इसका जस्ट वाइस वर्सा आप कर दो। जब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जा रहा है तो 5,000 का आपने रिस्क रखा है और सोच रहे हो कि 10,000 का हम प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे, तो 10,000 का प्रॉफिट यूं ऐसे चुटकी बजा करके तो हो नहीं जाता है कि तुरंत आपने ट्रेड मारा तुरंत 10,000 का प्रॉफिट, ऐसा होता है। वो प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, पहले 1,000 का होगा, 2,000 का, फिर अचानक से एकदम से स्पाइक आ जाए, 2-4-5 हज़ार रुपए का प्रॉफिट एकदम से दिखाई पड़ने लगे, फिर आपको लगेगा कि यार ये 10,000 रुपए का जो हमने प्रॉफिट का अपना एक टारगेट बना रखा, प्राइस वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, 5,000 हो गया, आपके मन में ये चल रहा है पहुंचा है, पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इसको हम डेली लाइव मार्केट में हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, ये चीज डेली हम लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करते हैं। प्राइस जब नीचे आएगा ना तो आपको लगेगा तो प्रॉफिट चल रहा था 5,000 का, तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया, अभी 2,000 का, चलो ठीक है अब एंट्री पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जिसमें घुसे तो उसी पे निकल जाएंगे, थोड़ी बहुत ब्रोकरेज होगी दे देंगे। क्या हुआ, पूरे 10,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए भी हमने वेट नहीं किया, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ उसमें आप घबराने लगे कि पूरा होगा या नहीं होगा, उस पर भी बाहर निकल गए। लॉस पूरा लॉस कवर करने सॉरी पूरा लॉस हिट होने से पहले या पूरा टारगेट हिट होने से पहले अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब कि मेरी साइकोलॉजी कमजोर है। आप चाहे जितनी बुक्स पढ़ लो, चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, चाहे जितनी एक्सरसाइज कर लो, चाहे जितने लोगों से सीख लो, चाहे जितने दिन की प्रैक्टिस कर लो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ एक चीज जो अभी तक हमने सीखी है अपने पूरे ट्रेडिंग जर्नी में, रूल्स जो आप नियम बनाओगे, अगर एक बार एंट्री कर ली है तो या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, इसके अलावा बीच में निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, या तो स्टॉप लॉस जाना चाहिए या तो टारगेट मिलना चाहिए, अदरवाइज आप ट्रेड से एग्जिट नहीं मारोगे। एक थर्ड कंडीशन आती है कि जब हम देख रहे हैं कि 3:15 पर हमें एग्जिट होना है और 3:14 पर प्राइस ना तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है ना तो टारगेट, तो उस कंडीशन में ब्रोकर आपको खुद बाहर निकाल देगा। वो रेयर होता है, लेकिन ज्यादातर 99.9% हम लोग क्या करते हैं ना, स्टॉप लॉस हिट होने से पहले निकल गए या टारगेट हिट होने से पहले निकल गए। टारगेट हिट होने से पहले निकल गए, प्राइस ऊपर चला गया तो अब बुरा लगना स्टार्ट होता है। स्टॉप लॉस हिट होने से पहले निकल गए, हम निकले प्राइस ऊपर चला गया, अब बुरा लगना स्टार्ट होगा। और ये होता कब है मालूम है, आज हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 725.75 पर रखा हुआ है हमने, इसको समझिएगा। देखिए अभी जो स्टॉप लॉस है ना 728.55 पर है, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, नीचे यहाँ तक आया, ये 727 तक आया। अब आपके मन में क्या होगा ना, यार निकल जाते हैं, हमें तो हमें लग रहा है क्योंकि यहाँ ने क्या सपोर्ट तोड़ दिया, अब ये प्राइस मेरा नीचे तक आ जाएगा और स्टॉप लॉस सेट कर लेगा, ऐसा लगेगा। बाद में होगा क्या ना, आप जैसे ही निकलोगे, जैसे निकलोगे ना, प्राइस सीधे नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस सेट कर देगा, आपको लगेगा हाँ बच गया, वरना पूरा स्टॉप लॉस हमारा चला जाता है, ऐसा होता है ना, ऐसा कई बार होगा। फिर आप अच्छा वो निकल गए, नेक्स्ट डे भी यही होगा, प्राइस जैसे नीचे आएगा ना आप सोचोगे निकल जाते क्योंकि कल निकल गए थे ना, कल हमारा डिसीजन अच्छा था, हम निकल गए थे। आज जब आप निकलोगे तो प्राइस वहीं से ऊपर चला जाएगा सीधा। इन सारी सिचुएशन से सिर्फ एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, वो है आपका डिसिप्लिन। आप जो अपने नियम बनाओगे, स्टॉप लॉस हिट होना है हो जाए, टारगेट मिलना है मिल जाए, फर्क नहीं पड़ता, हमको एक चीज चाहिए, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, अदरवाइज और कुछ। साइकोलॉजी की आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, लास्ट में बस यही दो लाइनें आपको मिलेंगी कि ऐसा है मार्केट में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो भी करना है वो प्रीडिफाइंड होना चाहिए, पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए। इतना अगर कर ले गए
समझ लो साइकोलॉजी की सारी किताबें आपने पढ़ ली, साइकोलॉजी के ऊपर जितना आपको टाइम देना था दे दिया। कभी भी जीवन में आपको साइकोलॉजी को मजबूत करने का इसके अलावा अगर और कोई रास्ता दिखता है ना तो हमको बता जरूर देना कि नहीं जो जो हम बोल रहे हैं इस वक्त जो हम बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, एक्चुअली साइकोलॉजी को मजबूत करने का ये रास्ता नहीं, कोई और रास्ता है। आप उस दिन जो बोलोगे वो हार जाए, सिर्फ डिसिप्लिन आपका और कुछ नहीं। अभी जो चीज हम बोल रहे थे एक कंडीशन में ये चीजें हो गई और दूसरे में मालूम है क्या होता है, स्टॉप लॉस तो आपने चलो लगा दिया, आपके पास बहुत पैसा है या नहीं भी है तो भी आप रिस्क लेकर के बैठो, नहीं हम 500 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमें उसकी परवाह ही नहीं है, जाए। लोग कहते हैं ना कि स्टॉप आपको क्या लॉस होने का डर है इसी वजह से आप पहले निकल जा रहे हो, या कम प्रॉफिट हो रहा है इस वजह से आप निकल जा रहे हो, हमें प्रॉफिट और लॉस से मतलब ही नहीं है। क्या जो हमने सीखा है वो सही सीखा है या नहीं, लॉस हो रहा है आपको लॉस से फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक स्टेज पर जब आप पहुंचोगे ना तो फिर वहां पर आपको लॉस से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर जो हमने सीखा है वो सही सीखा है नहीं। अगर हमने सही सीखा है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्यों, क्यों ऐसा, फिर यहाँ पर पैसा नहीं खलेगा आपको, वो खल जाएगा कि जो हमने सीखा वो सही नहीं सीखा शायद, तो ऐसा होगा। इसको नेचुरल मान करके चलो, ये नेचर है। मालूम है क्या चीज बचाती है, आप एक ही सिस्टम के ऊपर अगर काम कर रहे हो तो ऊपर फिक्स रहो और अपना रिस्क और मनी मैनेजमेंट सेफ रखो, सिस्टम चेंज नहीं करना है। आज हमने एक्सेल वाला सिस्टम पकड़ लिया, कल हमने क्या बोलते हैं वीकली गेनर वीकली लूजर वाला सिस्टम पकड़ लिया, उसके बाद में फिर हमने वॉल्यूम ब्रेकआउट मॉर्निंग में प्री मार्केट सेशन के अंदर जिस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं उन स्टॉक्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, उसके पांचवें दिन फिर हमारे पास कुछ फिक्स्ड स्टॉक बन गए, नहीं अब हम ऐसा है फिक्स्ड स्टॉक के ही अंदर काम करेंगे। इसके अलावा वॉल्यूम ब्रेकआउट के स्टॉक्स पकड़ लिए, अभी तो हुआ था कि प्री मार्केट सेशन में जिन वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए थे, अब आप देखोगे कि 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 पे जिन वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं हम उस वाले सेगमेंट को पकड़ लें, वैसे स्टॉक को सिलेक्ट करें, वैसे सेगमेंट चेंज करते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। फिर एक सिस्टम रखो, मनी को और रिस्क को मैनेज करके रखो, आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, जितनी चीजें सिखाई अप्लाई कर दो प्रॉफिट में ही जाओगे आप। ये आप लोग खुद हमको बोल रहे हो, अनवर 5 में से 1 SL, धवल 6 में से 1 SL, एकलव्य 3 में 0 SL, प्रीवियस वीक का हम आपको बताएं क्या था, पंकज जी 11 ट्रेड किए थे 11 में से 3 स्टॉप लॉस, सुशांत ने कोई ट्रेड नहीं किया था, और इसके अलावा धवल, धवल का तो हो गया, अनवर का भी हो गया, मतलब इतने लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किए। तो जितनी चीजें सिखाई है वो कर दो और उसपे बस एक सिस्टम फिक्स कर दो और एक रिस्क मैनेजमेंट और एक मनी मैनेजमेंट, ना जीवन में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना करने से प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी चलती रहेगी और आने वाले 2-3 साल में आप अपना सेगमेंट चेंज कर दो, आपको लगता है आप डेरिवेटिव्स में चलना चाहिए चले जाओ, लेकिन जब तक यहाँ प्रॉफिटेबल ना हो जाओ तब तक दूसरी तरफ झांकना भी मत, बर्बाद हो जाओगे। पंकज जी भी आते हैं आपके पास, आते ना, रुकिए, अनवर हो गए, धवल हो गए, अनवर, अतुल बचे, अतुल जी माइक म्यूट कीजिए अपना। सर गुड इवनिंग सर, आवाज आ रहा है मेरा? जी हाँ सर, आवाज आ रही है। तो अभी सर मैंने ना एक्चुअली 3 ट्रेड लिए थे, तो 3 में से 2 ये हो गए स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक तो एक्सिस बैंक लिया था मैंने 863 था और 860 पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 3 रुपए का खाली लॉस हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। बाद में मैंने 16 तारीख को NTPC लिया था, NTPC ज्यादा चला नहीं लेकिन मैं प्रॉफिट में चला गया, 166 पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था और 167.50 पे मुझे प्रॉफिट में लेके मैं एग्जिट हो गया 3 बजे। ओके, और पावर ग्रिड मैंने एक्सेल फाइल से निकाला था, जो 16 तारीख को ही पावर ग्रिड निकाला था, वो भी उस दिन चला नहीं, मैंने 214.85 पे लिया, तो वो वही रेंज पे चल रहा था कंटिन्यूसली, सो मैंने फिर लास्टली मैंने 214.60 पे एग्जिट मार के निकल गया मैं। टोटल 3 ट्रेड हुए आपके पूरे वीक में? 3 ट्रेड हो गए, उसमें से 2 नहीं, लेकिन उसमें सर मैंने एक ऑब्जर्व किया कि मार्केट का सिचुएशन भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हाउ मार्केट इज निगेटिवली वर्क जा रहा है या निगेटिव ट्रेंड में जा रहा है या पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। कोई बात नहीं, वो लॉस या प्रॉफिट कुछ नहीं, वो SL तो मतलब SL। यस यस, और NTPC चल गया है। और लास्ट वीक आपने ट्रेड किया नहीं था? नहीं नहीं किया था मैंने सर, ये फर्स्ट टाइम 3 ट्रेड किए और नेक्स्ट टाइम और करेंगे मैं। लास्ट वीक अगर आप ट्रेड करते तो इस वीक बेटर होता। अच्छा, अब दोनों ट्रेड में बताइए, सबसे पहला ट्रेड कौन सा था जिसमें एसएल गया? अतुल जी। हाँ सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ सर, पावर ग्रिड लिया था जिसमें स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ था। अतुल जी आपके पास अभी एक कॉल आएगा 2 या 4 मिनट में,
ठीक है सर, है ना, आपको हम थोड़ा सा होल्ड पर रख रहे हैं, आपसे बिल्कुल लास्ट में डिस्कशन करेंगे, और अगर आपको स्क्रीन शो नहीं होगी तो फिर हम आपसे इंडिविजुअली कॉल करके डिस्कशन करेंगे, है ठीक है सर, ना। अभी ठीक आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है, नहीं नहीं हो रही अभी भी, कोई बात नहीं, अभी आपके पास कॉल आ जाएगा, और अगर आ जा रहा है तो फिर हैंड राइज कर दीजिएगा, आपसे हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अनूर सर, अतुल धवल, एक लोग हो गए, गजेंद्र जी, गजन 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 तो गजन गजन जी नहीं, गजन जी नहीं हो, गजन सर माइक अनूट कीजिए अपना, जी सर, गजन साहब टोटल ट्रेड बताइए अपने। टोटल ट्रेड सर मैंने 10 किए हैं, जिसमें से 2 स्टॉप लॉस गए और एक साइड वे रहा है। टोटल 10 ट्रेड हुए हैं जी, स्टॉप लॉस कितने गए हैं? 2 में गए हैं और एक में साइड वे रहा, ना टारगेट मिला ना स्टॉप लॉस गए। ठीक है, और मतलब 2 और ये 3, 7 ट्रेड ऐसे थे जिसमें स्टॉप लॉस पूरा सेफ रहा है आपका? हाँ जी सर, टारगेट डाल देते हैं ये आपका 7 ट्रेड, ठीक है, साइड वे वाला छोड़ दीजिए, और ये स्टॉप लॉस जिनमें किया वो बताइए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कौन सा? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डेट क्या थी ट्रेड करने की? 14 तारीख। सॉरी, डेट क्या थी ट्रेड करने की? 14 तारीख। 16 14 14 डे टाइम फ्रेम का लेवल बोलिए, डे टाइम फ्रेम का लेवल बोलिए। 1170। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बहुत डो हो रहा है। 1170 अभी? हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ कैसे आपको स्टॉप लॉस गया? ये आपका डे टाइम फ्रेम का लेवल है ना? हाँ हाँ, एक्चुअली सर इसको ब्रेक करके जब नीचे आया, मैंने 1164 पे सेल किया था और 70 पे स्टॉप लॉस रखा था। किस कैंडल पर आपने शॉर्ट मारा? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर 9:15 की कैंडल पर, 9:15 और 9:20, 9:15 9:20 ये 10 बजे की कैंडल पे सर, 10:05 क्या देख के आपने इस पर ट्रेड मार दिया? क्यों मारा? तो सपोर्ट ब्रेक किया था इसके लिए और सस्टेन भी कर रहा था। इतने सारे तो ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किए हैं, अब 10 में से 7 ट्रेड के अंदर आप प्रॉफिट लेकर के निकले हो, अगर उन 7 ट्रेड्स के अंदर आपने इस तरह से प्रॉफिट बनाया तो इसका मतलब वो सारे ट्रेड गलत हैं आपके। नहीं समझ रहे आप? लास्ट वीक हमने क्या बताया था आपको? ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सिर्फ एक जगह होती है, वो ये वाली, ये वाली। इस लाइन की यही तो पावर होती है कि इस लाइन के पास से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। किस सेंस में हम यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? ये तो कैंडल हमारे हायर टाइम फ्रेम के लेवल से भी टच नहीं हो रही है। अगर ये फॉर्मेशन मेरे लेवल के पास में, यहां पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था, क्योंकि 9:45 तक तो हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। उसके बाद देखिए मौके में मिलेंगे। यहां पर अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं। फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये देखिए 10th नंबर चैप्टर की तरह, अगर हम चाहते तो इस जगह से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट स्विंग पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो। 9:45 नहीं, गलत बात। आप किसी भी ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लोगे जो कि आपको अपने हायर टाइम फ्रेम के लेवल से दूर एंट्री दे रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। दूसरा स्टॉक कौन सा था? ये ऐसे ऐसा तो ये कुछ नहीं है ना जो कि कुछ नया बता रहे हो हम? क्या ये हम पहले बता चुके हैं आपको? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपका ये ट्रेड देखने के बाद हम ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं, ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं आपको। दूसरा स्टॉक कौन सा है? 13 तारीख को दिया। कहीं पर अगर कंफ्यूज हो जाओ, लाइव मार्केट में फंस जाओ तो उतना सपोर्ट ले लो। अनवर इतना क्वेश्चन करते हैं, उनको तो लास्ट वीक हमने वॉइस नोट पर बहुत कुछ बोल दिया था। वो तो कोई भी ट्रेड लेने जा रहे थे हमसे पूछ रहे हैं, कोई भी ट्रेड लेने जा रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं, ये स्टॉक सर हम देख रहे हैं आप भी देख करके बताइए, सर हम इसमें एंट्री लेने जा रहे हैं इसमें आप भी देख। गुस्सा गए। जिस स्टॉक में आप 10 ट्रेड, अगर 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो 10 में हो सकता है कि 2 या 3 ट्रेड ऐसे हो जिसमें आप फंस जाओगे। ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना कि 10 के 10 ट्रेड के अंदर आप फंस जाओ। तो उन 2, 3 या 4 ट्रेड से हमसे आप पूछ लो कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे। उसमें ऐसा हो गया, वो रॉन्ग एंट्री ही था, वो एंट्री ही रॉन्ग था, वहाँ पे एंट्री लेने का कोई मतलब कि बनता नहीं था, लेकिन हमने हड़बड़ी में ले लिया, वो भी सुबह सुबह ले लिया था। और एक लास्ट जो है 17 फरवरी का जो है HDFC बैंक में लिए थे, वो लेवल से जो मदर कैंडल आप बताए थे शुरू में, तो उसी का हम जैसे वो मदर कैंडल के ऊपर गया तो हमने एंट्री मार दिया, लेकिन उसमें SL हो गया था। फिर से बताइए टोटल ट्रेड कितने आपके पूरे वीक में? 10 ट्रेड है, 2 में SL है, 2 में SL है। हाँ, HDFC बैंक 7-8 में मैंने टारगेट अचीव किया है, 1:2 सब में ही है, 2 में ज्यादा है,
और एक ट्रेड मैंने छोड़ दिया, जैसे 17th को LNT जो है, LNT जैसे सर आप बताए थे ना वीकली जो हाई होता है उसको ब्रेक करने से एंट्री लेना चाहिए। अच्छा, तो LNT 9:30 में हो गया था, तो मैंने फिर 9:45 हमको याद आ गया, इसीलिए मैंने छोड़ दिया उसको। चलिए कोई बात और HDFC में ही किया। ठीक है, स्टॉप लॉस किसमें किसमें क्या, पहला स्टॉक बोलिए अपना। एक था बजाज फिनसर्व था, जिसमें कि एंट्री मैंने हरवड़ी में ले लिया था। ओके, बजाज मतलब एग्रेसिव एंट्री मारी थी आपने, डेट एंट्री लेवल वो था मेरा 1386। डेट क्या थी ट्रेड करने की? 13th ऑफ फरवरी, एक हुआ 17th ऑफ फरवरी। 13th, अच्छा 13th फेब को आपने ट्रेड किया था ये। ओके ठीक है, सही है, 13th को ट्रेड बन ही नहीं रहा है। हाँ सर, वो लेवल के ऊपर जैसे गया था ना मैंने एंट्री मार दिया, फिर वो नीचे आ गया बाजार, उसके बावजूद भी यहाँ पर एंट्री नहीं। ये जो कैंडल बन गई ना अपनी 10:05 की या 10:15 की, ट्रेड खत्म, क्या रीजन है इसके पीछे का, बोलिए गोविंद। 13th फरवरी का सर। हाँ, 13th फरवरी को ट्रेड नहीं करने के पीछे का रीजन क्या है? लास्ट टाइम क्या बताया था हमने, चार्ट दिख रहा है ना, चार्ट तो शो हो रहा है जी, जहां से ये प्राइस स्टार्ट हुआ है हमने क्या बोला था, ट्रेड एग्जीक्यूट कब नहीं करना है, लास्ट टाइम बताया था ना आपको कब कब ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, यहां से लेकर के यहां तक कि जब आप इसकी चाल देखोगे तो ये कै परसेंट चला है मालूम, क्लियर है, अब कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन इसके अंदर नहीं, कोई ट्रेड नहीं। याद है या भूल गए, लास्ट क्लास में थे आप? जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने तरीके बताए थे, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट कब नहीं करना है, मतलब कि जो पहले ही अगर अच्छा चल जाए, मतलब कि शेयर मतलब 1% से ज्यादा चला जाए तो उसमें थोड़ा संभल के ही ट्रेड करना है उसमें। और दूसरा HDFC बैंक है आपका 17th फरवरी। दूसरा दूसरा क्या रीजन था, करीब 5 से 6 सिम्टम्स हमने बताए थे ट्रेड नहीं करने के, 2% मूव हो जाए, वो तो बता चुके हैं ना, वो तो बता चुके हैं आप, विदाउट ब्रेकआउट ऑफ 915 कैंडल, मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई पहले करना चाहिए, वेरी गुड, उसके बाद ही लेना चाहिए। ठीक है, आगे रिस्क मैनेजमेंट देखना चाहिए, वेरी गुड, इफ मोर देन 0.6% का स्टॉप लॉस होता है तो एंट्री नहीं लेना चाहिए, वेरी गुड, मतलब इतना सारा है, आप बताए थे कि इस पे ट्रेड नहीं करना, लेकिन ये मेरा पहले पहला जो ट्रेड था ना उसमें मैंने हड़बड़ी में ले लिया ट्रेड, मैंने कुछ देखा ही नहीं, इसलिए मैंने आपको जो एक्सेल शीट भेजा उसमें रॉन्ग एंट्री लिख के भेज दिया। हाँ ठीक ठीक कोई बात नहीं, सही है, एक चीज बस वो मेरा जो, हाँ सर बोलिए, एक चीज वो न्यूज बेस में शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, ये इसके लिए हमने मना किया था। अच्छा है, अच्छा, फिर आपने ऑलरेडी 17th फरवरी को जो है HDFC बैंक में उधर मैंने एंट्री ले लिया था, वो मदर कैंडल बना था लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं सोचा होगा लेकिन वो फिर स्टॉप लॉस ले लिया था, कोई बात नहीं, क्या करें, आप बताए सबसे पहले वही बोले हैं 17th फरवरी का। ओके ओके, मेरा स्पॉट, मेरा स्पॉट था, हम बता देते हैं मेरा स्पॉट क्या था। हाँ बोलिए बोलिए। फिर उसके बाद मैंने फिर रूल पे आ गया, मैं बिना लाइन का कोई ट्रेड ही नहीं लिया। वेरी गुड, अच्छा, ये 1661 था मेरा स्पॉट, एंट्री मैंने 1666, जब प्राइस आपका ऊपर निकला तो आपने ट्रेड मार दिया। हाँ, मदर कैंडल के ऊपर निकला तो मैंने ट्रेड मार दिया। अच्छा अच्छा, फिर वो नीचे आ गया बाजार, उस दिन निगेटिव था बाजार। हाँ, मुझे समझ में आ गया बाजार निगेटिव है इसीलिए आया, नहीं तो देता टारगेट। हाँ, कोई बात, मैंने तो ये भी मैसेज डाला था कि सर वेट करें 1:3 का, ये भी मैं लिख के भेजने वाला था, बाद में टारगेट मेरा स्टॉप लॉस मार दिया, फिर उसको डिलीट कर दिए। हाँ, याद है सर, ये जो LNT था लेना चाहिए था एंट्री, टारगेट उसमें अच्छा आया। हाँ, बाय करने से आता अच्छा टारगेट। हाँ, हाँ, और सर एक चीज पूछना था, पिछले हाँ, क्लास में एक पंकज जी हैं वो बोल रहे थे इतना तारीख का मदर कैंडल, इतना तारीख का SCF, मतलब ये जो हायर टाइम फ्रेम पे जो हम लोग का लेवल है ये कितना दिन पीछे तक का हम लेके कर सकते हैं ट्रेड? वन मंथ तक का ले सकते हैं। वन मंथ के अंदर में यदि मेरा कोई अच्छा लेवल है तो उसको मैं पकड़ के ट्रेड ले सकता हूँ। हाँ। ठीक है सर, बढ़िया है सर, बस थोड़ा सा जग रहा है बस, मैं तो सर लूटा हुआ आप तो बोल ही दिए, जो भूत रहता है ना ऑप्शन का, यही मुझे डुबाया हुआ था, लेकिन अभी लग रहा है कुछ हो सकता है कि ऐसे ही करते रहे तो हो जाएगा मेरा, हो जाएगा बिल्कुल, बहुत ज्यादा मतलब सर मैं पूरा पूरा निराश हो गया था, अब क्या करें नहीं करें, मैंने तो सर्विस भी छोड़ रखा है, मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे लिए घर चलाना भी मुश्किल हो गया था, जितना मेरा था कैपिटल मैंने सारा लूज कर दिया था, लेकिन अभी क्या है कि देखिए सर कुछ ट्रेड किए तो कुछ आया है तो अभी फिर से चल रहा है, क्या करेंगे,
हो जाएगा गुरु जी, लेकिन एक्चुअली समझे हुए हैं। ठीक है सर, ऐसे थोड़ा ध्यान देते रहिए और क्या कोई बात करेंगे। नहीं, कभी भी आप, जरूरी नहीं किसी भी क्लास से ले तभी डिस्कशन चल रहा है, क्लास खत्म हो जाने के 6 महीने के बाद भी कॉल करोगे ना, ऐसे सेम ऐसे डिस्कशन करेंगे हम लोग। सर देखिए मेरा तो अभी औकात ही नहीं है, नहीं तो मैं तो हमेशा के लिए ले लेता क्लास, क्या करते नहीं, हमेशा एक ग्रुप बना रहने से अच्छा रहता है, कुछ ऐसा आदमी रहे कि कुछ अच्छा चीज सिखाए। इससे पहले भी क्लास किए थे, कुछ बता रहा है ये ले लो, यहाँ से गिरता है ले लो, यहाँ से उठता है ले लो, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था। करते थे ऑप्शन में जाते थे, लॉस होता था, यहाँ तक 10-10, 20-20 हज़ार, 50 हज़ार भी मैंने लॉस किया है एक दिन में। अभी क्या है कि ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं रहा। अभी जब आज बढ़िया जानकारी मिला है तो कम से कम 1 लाख रुपया रहे तब तो कुछ मिले। छोटा मोटा ट्रेड करने से क्या होगा। अभी मान लीजिए कि आप जो बताए तो साइकोलॉजी मेरा ठीक रहता है, लेकिन मैंने पहला ट्रेड थोड़ा सा गड़बड़ किया, वैसे ठीक है तो बन जाएगा सर, कोई हो दिक्कत जाएगा नहीं है। हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, क्वांटिटीज बढ़ा दीजिएगा बस, एक बार ये सिस्टम आप समझ टेंशन लीजिए। हट गया, आपका क्लास लेने के बाद हमको पूरा उम्मीद जग गया, इसीलिए मैं तो आपका प्राइवेट क्लास भी नहीं मिस करता हूँ, उसके हिसाब से भी ट्रेड ले लेता हूँ, मैं देखता हूँ सही है। ठीक है सर, ओके थैंक यू गुरुजी, सर। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा है, बढ़िया करिए, नेक्स्ट वीक सेम चीज को आप कंटिन्यू करोगे ठीक है सर, जी। आप जो बोले उसी हिसाब से मैंने ट्रेड नहीं किया था लास्ट वीक, क्योंकि मैंने तो पीछे का क्लास देखा नहीं था, तो मैंने इसलिए ट्रेड नहीं लिया था, इस वीक ले लिए, आप बोले ले लीजिए तो लिया। ठीक है सर, ठीक, गजेंद्र साहब और अतुल जी, अभी आप हैंडराइज आप चाहो तो आप